हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुमैया इंग्लिश प्राइमरी स्कूल, स्टैंडर्ड फर्स्ट, सब्जेक्ट मैथ्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद लेसन नंबर 23। लेट अस लर्न टेंस। सो टेक आउट वर्कबुक, पेज नंबर इज 37। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न टेंस। ओके, so here picture, so let us count matchsticks together, okay? so अब हम matchsticks को count करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पे देखो एक ग्रुप में कितने मैचस्टिक्स दिए गए हैं, 9। सो हमने बॉक्स में क्या लिखा है, 9 मैचस्टिक्स। ओके, सो वी आर एडिंग 1 मैचस्टिक इन 9 मैचस्टिक्स। ओके, सो इट्स इक्वल टू 10 मैचस्टिक्स। हमने 9 मैचस्टिक्स में एक मैचस्टिक्स ऐड कर दिए तो कितना हो गया हमारा, 10। ओके, 10 यूनिट्स गैदर्ड टुगेदर, लेट अस मेक अ बंच ऑफ देम। जो 10 मैचस्टिक्स थे ना हमारे, हमने उनको क्या कर दिया, एक साथ मिला दिया। ओके, उसको हमने बंच बना लिया। देखो नीचे यहाँ पे पिक्चर में आपको बंच दिख रहा है मैचस्टिक्स का, टोटल कितने मैचस्टिक्स है इसमें, 10। ओके, सो वी टाई देम इनटू अ बंडल एंड कीप देम इनटू अ लेफ्ट साइड। हमने क्या किया, 10 मैचस्टिक्स को एक बंडल में बांध दिया और फिर उसको एक लेफ्ट साइड में रख दिया। ठीक है, ये जो 10 मैचस्टिक्स हैं हमारे, इनको हमने क्या किया, एक बंडल में कन्वर्ट किया। सो इस बंडल को क्या बोलेंगे हम, 1 टेंस। ओके, व्हाट, 1 टेंस। 10 इज अ सेट ऑफ 10 सिंगलटन्स टुगेदर। व्हेन दे वर सिंगल दे वर कॉल्ड यूनिट्स। यहाँ पे देखो 10 मैचस्टिक्स का जो सेट हमने बनाए हैं बंडल में, वो पहले क्या थे, सिंगल थे। ओके, जब वो सिंगल थे तो हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिट्स। वी वर कॉल्ड एज यूनिट। ओके, सो हमारा जो 10 यूनिट्स का बंडल होगा, हमें उसे किस साइड रखना चाहिए, लेफ्ट साइड। ओके, और इसको हम क्या बोलेंगे, 1 टेंस। एंड जो राइट साइड के यूनिट्स होंगे, वो क्या होंगे, एम्प्टी रहेंगे, खाली। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 0। ओके, सो नेक्स्ट इज, सो हियर लेट्स काउंट फ्लावर्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितने फ्लावर्स हैं यहाँ पे, टोटल 10 फ्लावर्स हैं। और ये जो 10 फ्लावर्स है वो किस में है, यूनिट्स में है। ओके, जब ये 10 फ्लावर्स सिंगल होते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिट्स। ओके, इन 10 यूनिट्स को हम गैदर्ड करेंगे एक बंच में, एक बंडल में। ओके, देन इसको हम कौन सी साइड रखेंगे, लेफ्ट साइड।
So, the house of 10 flowers on left side is called 1 tenth. And the 0 fills the unit house which was emptied. 0 unit का जो house दिख रहा है आपको वो क्या रहेगा? Empty रहेगा. Okay? The 1 tenth and 0 units is written as 1 0 10. Okay? 1 tenth और 0 unit को हम number में कैसे लिखेंगे? 10 लिखेंगे. 1 0. Okay? यहाँ पे देखो 1 10 को कैसे लिखते हैं हम? 10 नंबर में. ओके, देन 2 tenths को कैसे लिखेंगे नंबर में? 2 0 20. यानी 10 10 के 2 बंडल्स को हम क्या बोलेंगे? 2 tenths. ओके, और उसको हम नंबर में कैसे लिखेंगे? 2 0 20. Then 3 tenths is equals to 30. 30. 4 tenths is equals to 40. 5 tenths is equals to 50. 6 tenths is equals to 60. 7 tenths is equals to 7 0 70. 8 tenths is equals to 8 0 80. And 9 tenths is equals to 9 0 90. इन सारे tenths को हमने number में convert किया. Okay, number में लिखा. Right? So, आज हमारा explanation यही end होता है. Thank you.